यहाँ पे 20 क्रोम की बैटरी मिल जाती है एंड यहाँ पर सुजुकी की बैटरी मिल जाती है। तो ऑल अराउंड बाइक मतलब पावरफुल मशीन है। अभी मैं आप लोगों को इस बाइक के ऊपर प्रॉपर रिव्यू एंड टेस्ट राइड देने वाला हूँ। सुजुकी वी स्ट्रोम 250cc, इन 250cc के सेगमेंट में आती है यार ये। बहुत बढ़िया ऑफ रोडिंग बाइक है, फुल ग्रिप एंड टायर। तो अभी इसको चला के दिखाने वाले हैं प्रॉपर से। फ्रेंड बाइट करी जाए सबसे पहले इसकी सीट हाइट की, तो मेरी हाइट लगभग 5'9" है, तो भी मेरे पैर इस पे इतने से आ रहे हैं। बट बाइक यार बहुत ही बढ़िया एंड कंफर्टेबल है, पावरफुल मशीन है, एकदम पावरफुल मशीन। एंड एक्चुअल में बताऊँ तो इसके अंदर मोड्स वगैरह के बारे में बता दूँ मैं आप लोगों को, मैनुअली मोड मिलते हैं इसके अंदर। एंड यार मतलब एकदम शाही सी सवारी लग रही है इस बाइक की, गजब। बैठने के बाद ना मतलब जैसे R15 में बैक पेन होने लगता है ना, तो इसमें बैक पेन वाला तो कोई सीन ही नहीं है। एंड भाई मतलब अपने सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया बाइक है। एंड बात करी जाए इसके एग्जॉस्ट नोट की, तो यार मतलब बहुत ही गजब। एंड ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत बढ़िया है इस बाइक के अंदर में, तो बहुत अच्छी चल रही है। एंड 0 to 70, 60 बहुत अच्छे से चल रही है। एंड गियर शिफ्टिंग भी बहुत इजीली, बहुत अच्छे से मतलब स्मूथ है एकदम, देख रहे हो आप लोग एकदम स्मूथ बाइक है। एंड हैंड गार्ड इसमें कंपनी फिटेड आते हैं। एंड बहुत मुझे मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी बाइक लगी है मुझे। एंड ये कलर देख रहे हो इसका, ऑरेंज कलर बढ़िया लगता है। एंड इसमें आता है येलो कलर, वो भी बहुत गजब है। एंड ब्लैक कलर जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा दूंगा अभी, इसके तीनों कलर। एंड मतलब इतनी स्मूथ बाइक चल रही है यार, मज़ा आ रहा है, नेक्स्ट लेवल मज़ा। क्या बोलती पब्लिक, इस बाइक को ले लेना चाहिए? लेकिन फ्रेंड बस एक्चुअल में बताऊँ ना तो मुझे अभी चाहिए थोड़ी हैवी इंजन की बाइक। मुझे मेरे पास ऑलरेडी 155cc की बाइक है, तो मुझे अभी इसकी नीड नहीं है। बट स्टिल बताऊँ तो बहुत पावरफुल बाइक है और एग्जॉस्ट की साउंड बहुत ही गजब। ऑफ रोडिंग के लिए तो बहुत बढ़िया बाइक है ये। तो फर्स्ट गियर में 53 चली गई, तो ऑफ रोडिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया भागी ये बाइक। एंड फ्रेंड मिरर वगैरह इसके, एंड मीटर जो है ना ये छोटा सा बहुत क्यूट लगता है। अगर इसके अंदर थोड़े से और ज़्यादा ग्राफिक्स वाले कलर दे देते तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। बट बाइक ऑल अराउंड चलाने में मज़ा, हर चीज़ में मज़ा है बाइक के अंदर में। तो इस पर आप ट्रिप कर सकते हो नैनीताल, देहरादून, मतलब लद्दाख वगैरह, स्पीति वैली। ऑफ रोडिंग किंग है ये बाइक, जैसे BMW की GS 1250 है उसी की तरह ये भी बहुत ही गजब की बाइक है। जैसे कि ये बाइक को मैंने अभी आप लोगों को चला के दिखाया, तो इसकी यहाँ पे 20 स्ट्रोक की बैचिंग मिल जाती है एंड यहाँ पर सुजुकी की बैचिंग मिल जाती है। तो ऑल अराउंड बाइक मतलब पावरफुल मशीन है, बहुत गजब की बाइक है। एंड HR नंबर रजिस्ट्रेशन है। एंड इसका एक ये कलर आता है ब्लैक कलर, इसमें भी यहाँ पर V-Strom SX की बैचिंग मिल जाती है। एंड इसका एक और कलर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कलर, और ये मुझे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया लगता है, येलो कलर SX 250। एंड ABS ब्रेकिंग सिस्टम है इसके अंदर, एंड बाई ब्रेक है इसके अंदर, ब्रेक आते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मशीन है। हम लोग इसकी एग्जॉस्ट नॉट सुनवाने वाला हूँ कि कैसे ये बाइक आवाज़ करती है। इसका एग्जॉस्ट नॉट सुना तो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, एंड काफ़ी हद तक आवाज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड बाइक के अंदर ABS है, ये चीज़ अच्छी लगी। ऑफ रोडिंग के अंदर ABS आ रहे हैं, तो बाइक ऑल अराउंड यार मुझे बहुत बढ़िया लगी। तो आप लोग चाहो तो इस बाइक को ले सकते हो, कोई इशू नहीं है।